हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। तो यार अभी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, रोज़ व्यूज़ पे व्यूज़ आ रहे हैं, 32,000, 20,000, 15,000, तो यार कमाल हो रहा है मैक्स प्रो M1 के ऊपर। तो यार आज के इस वीडियो में यार मैं बात करने वाला हूँ कैसे हम डाउनग्रेड कर सकते हैं अपने मैक्स प्रो M1 को, और M2 के अंदर भी ये मेथड काम करेगा जो रोम फाइल अवेलेबल होगी। M2 के लिए वाली यूज़ करना है, M1 की यूज़ मत करना, दोनों फोन्स पे एप्लीकेबल है, दोनों फोन्स की अलग अलग रोम फाइल है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस आप में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भाई मैंने क्यों अभी तक इसको रिव्यू नहीं किया है, क्योंकि गाइस अभी ये रिव्यू करने लायक ही नहीं है, बीटा सॉफ्टवेयर है। हाँ मैं पहले की तरह गालियाँ नहीं देने वाला हूँ इसको जैसे मैंने पहले किया था, क्योंकि यार अभी बीटा सॉफ्टवेयर है और क्लियरली पता है कि हाँ यार बीटा है। लास्ट टाइम उन्होंने स्टेबल बोल के बीटा को रिलीज किया था, तो उस टाइम तो पढ़ना मतलब गालियाँ देना बनता था, बट इस बार नहीं बनता यार, हम बार बार गालियाँ नहीं देते हैं। तो भाई अभी क्या सीन है, अभी ये बीटा सॉफ्टवेयर है तो अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा बग्स हैं, यहाँ तक कि यार अभी काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं, ऑलमोस्ट यार कम से कम 300-400 कमेंट होंगे, उसमें से काफ़ी लोग यार यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको जो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मेरे फ़ोन में मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, और जो मेरा फिंगरप्रिंट सेंसर है ये देख सकते हो यहाँ पे परफेक्टली काम कर रहा है, मुझे कोई भी इशू नहीं है फिंगरप्रिंट सेंसर को लेके, और मेरे फ़ोन में यार काम कर रहा है, काफ़ी लोगों के फ़ोन में काम नहीं कर रहा है। अब गाइस मैंने भी जैसे आपने अपडेट किया है, जो मैनुअली अपडेट करने का मेथड होता है वैसे ही मैंने अपडेट किया था, पर स्टिल मुझे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है और काफ़ी लोगों को मिल ही नहीं रहा है, लिटरली यूट्यूबर्स को भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं पता है कैसे मिल रहा है। और यार ये कोई सोल्यूशन नहीं है इसका। मैं एक चीज़ बताता हूँ गाइस आपको, जो मेरा वेरियंट है फ़ोन का वो एक्चुअली 3 GB 32 GB वाला वेरियंट है, तो मे बी गाइज क्योंकि जितनी मैंने यूट्यूबर्स की वीडियो देखी है, लाइक iPhone अनबॉक्स यूट्यूबर है, उनके 1.25 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, उन्होंने भी वीडियो बनाया था, उनका भी फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं कर रहा है, बट उनके पास आई थिंक 4 GB वाला वेरिएंट है। तो गाइज आप मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आपके 3 GB वाले वेरिएंट में काम नहीं कर रहा है, या फिर 4 GB और 6 GB वाले वेरिएंट के साथ ऐसा हो रहा है, नीचे बताओ फिंगरप्रिंट सेंसर किस चीज़ का काम नहीं कर रहा है, साथ में लिख देना 3 GB वेरिएंट है या 4 GB या 6 GB, तो पता चल जाएगा यार किस स्मार्टफोन या फिर किस वर्जन में ये बग हमें देखने के लिए मिल रहा है। बहुत तेज बोल दिया यार। अब उसके बाद यार काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि भाई पबजी का भी यार गेम प्ले करो, तो गाइस बताना चाहूँगा पबजी यहाँ पर HD में अभी भी नहीं चल रही है, और गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो कभी कभी यहाँ पर गेम फोर स्टॉप हो जाती है, तो कोई फ़ायदा नहीं है गेमिंग यहाँ पर रिव्यू करने का। उसके बाद मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा जो कॉल क्वालिटी है और वाईफाई वगैरह वो सब कुछ काम कर रहा है अच्छी तरीके से, उसमें कोई भी इशू नहीं है। डार्क थीम वगैरह अच्छी तरीके से काम कर रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी मैंने यहाँ पर डार्क थीम अप्लाई की हुई है, सिस्टम वाइड डार्क मोड यहाँ पर मिलता है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो वो वाली वीडियो चेक कर सकते हो फीचर्स के लिए, बाकी कोई इशू नहीं है गाइस। और सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन कोई कोई काम करती है पर व्हाट्सएप पे काम नहीं करता है, व्हाट्सएप में कैसे इनेबल करना उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। अब गाइस यहां पे फटाफट से बात करते हैं कैसे डाउनग्रेड करना है, क्योंकि काफी लोग फंस गए हैं इसके अंदर और उनको दिक्कत आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा डाउनग्रेड करने के लिए गाइस आपके पास एक तो माइक्रो एसडी कार्ड होना चाहिए, मेमोरी कार्ड ऑब्वियसली क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी इसको यहाँ पे करने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में डाउनग्रेड वाली फाइल दे रहा हूँ एंड्रॉइड 10 से 9 पे जाने वाली, वो भी डाउनलोड कर लेना, मैक्स प्रो M1 की मैक्स प्रो M1 के लिए, M2 की M2 के लिए, ठीक है ये याद रखना, नहीं तो फोन ब्रेक हो जाएगा भाई। अब क्या करना है आपको, ये फाइल चाहिए, अब फटाफट से मैं स्विच करता हूँ बैक कैमरे पर और दिखाता हूँ कैसे करना है। तो गाइज अब यहाँ पे आप देख सकते हो यार, सबसे पहले आपको मैं फाइल दिखा देता हूँ कौन सी वाली फाइल आपको डाउनलोड करनी है। तो यार यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको फटाफट से इंटरनल स्टोरेज के अंदर, और यहाँ पे मैंने अभी शेयर मारी है क्योंकि मेरे K20 Pro से मैंने इसको शेयर किया है, और यार ये रही वो फाइल, मैं आपको इसकी अगर इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, फाइल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो यार यहाँ पर ये लिखा हुआ है 999 है, एंड में 1.6 GB की फाइल है। तो सबसे पहले तो यार इस वाली फाइल को ना मैं मूव कर लेता हूँ फटाफट से, मूव टू हम यहाँ पे SD कार्ड कर लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया था SD कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी हमें, यहाँ पे अलाउ करता हूँ और अलाउ एक्सेस SD कार्ड अलाउ। तो गाइज ये अभी यहाँ पे मूव हो रहा है, फटाफट से एक बार इसको मूव हो जाने देते हैं। तो गाइज मैंने फाइल को कॉपी करने पे लगाया था इसकी इंटरनल स्टोरेज से मेमोरी कार्ड में, पर यार ये इंटरनल स्टोरेज में बार बार कभी भी मैं मूव कर रहा था फाइल को स्टोरेज के अंदर, तो बार बार ये फ़ोन यार हैंग हो जाता था और स्विच ऑफ हो रहा था, मतलब दोबारा से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था, तो बार बार स्विच ऑफ करके ऑन करना पड़ रहा था। तो भाई इसलिए मैंने नोट 8 में पहले अपने K20 Pro से फाइल को ट्रांसफ़र किया, फिर इसके इंटरनल स्टोरेज से इसके मेमोरी कार्ड में डाला, अब इसमें से मेमोरी कार्ड निकाल के मैं अपने मैक्स प्रो M1 में डाल रहा हूँ, तब जाके यार ये होगा, बहुत ज़्यादा झंझट वाला काम हो गया यार। तो इस तरीके से आपको भी करना पड़ सकता है यार, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इंटरनल स्टोरेज से अगर नहीं होगा ट्रांसफ़र तो भाई ऐसे करके कर लेना। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे फ़ोन में मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर लिया है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यार अपना डेटा को बैकअप कर लेना, क्योंकि सारा फ़ोन यहाँ पे हमारा फॉर्मेट होने वाला है, तो मेक श्योर कि आपका सारा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आप बैकअप कर लें। उसके बाद यार फ़ोन को फटाफट से स्विच ऑफ मैं कर देता हूँ, देन उसके बाद अब क्या करना है, हमें जाना है यहाँ पे रिकवरी के अंदर। तो गाइस अभी हमारे फ़ोन की जो रिकवरी है
उसमें हमें यहाँ पे फ़ोन को यहाँ पे बूट करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं फटाफट से, एक बारी मैं जाता हूँ यहाँ पे फ़ोन की रिकवरी में, ऐसे हम जाते हैं तो यहाँ पे फटाफट से बटन को प्रेस कर लेता हूँ मैं। अभी हमारे फ़ोन में गाइस जो TWRP रिकवरी है वो यहाँ पे इंस्टॉल है, तो देखते हैं यार किस तरीके से हमें यहाँ पे जाना है। तो अगर आपके फ़ोन में फ़ोन की रिकवरी होगी उससे आपको वैसे ही करना है, जो कि अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे TWRP रिकवरी हट गई है, अच्छा हुआ TWRP रिकवरी हट गई है। अब क्या करना है गाइस, आपको जाना है अप्लाई अपडेट फ्रॉम एक्सटर्नल स्टोरेज क्योंकि मेमोरी कार्ड में है, उसको ओके कर देना। देन उसके बाद देख सकते हो यार नीचे आते हैं हम यहाँ पे, और ये वाली वो फाइल है गाइस, देख सकते हो ASUS की UL और ये 999। तो मैं इसके ऊपर जाता हूँ और ओके यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। देन गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो अपडेट है, मतलब जो डाउनग्रेड है, वो यहाँ पे पहले वेरीफाई कर रहा है पैकेज को, उसके बाद ही यहाँ पे डाउनग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी थोड़ा सा यार यहाँ पर वेट कर लेते हैं हम। तो गाइस फाइनली देख सकते हो यार यहाँ पे लिखा आ गया है सेव डन एंड 40 रिजल्ट यहाँ पे लिखा आ जाएगा, तो उसका मतलब है कि हो गया है जो हमारा फ़ोन डाउनग्रेड। और यहाँ पे टॉप पे आप देख पा रहे हो यार 407 वाला बिल्ड ये दिखा रहा है। तो अभी क्या करना है गाइस, आपको आपको यहाँ नीचे जाना है और वाइप डेटा एंड फैक्ट्री रिसेट, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आपको वो करना है। तो आपको इस पे जाना है और वाइप डेटा फैक्ट्री रिसेट पे जाके पावर बटन को दबाना है, और इस तरीके से वॉल्यूम बटन से फैक्ट्री डेटा रिसेट आप कर देना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मेटिंग डेटा लिखा आ गया है। और गाइस ये जो डाउनग्रेड है इसको होने में ऑलमोस्ट 5 मिनट का टाइम लग गया था, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर कुछ शो नहीं करता है बट ये यहाँ पे होता रहता है। तो देख सकते हो डाटा वाइप कंप्लीट लिखा आ गया है। अब आपको क्या करना है गाइस, नीचे फिर से वॉल्यूम बटन की मदद से जाना है, वाइप कैश पार्टीशन करना है, और उसके बाद इसको यहाँ पे यस कर देना पावर बटन की मदद से। और उसके बाद देख सकते हो कैश वाइप कंप्लीट हो गया है। अब गाइस जस्ट आपको यहाँ पे रिबूट सिस्टम नाउ कर देना है, एंड देन गाइस उसके बाद जो आपका फ़ोन है वो यहाँ पे बूट कर जाना चाहिए अपनी जो स्टॉक जो आपका पुराना वाला एंड्रॉयड 9 का वर्जन है उसमें हमारा फ़ोन यहाँ पे वापस बूट कर जाएगा। तो अभी वेट कर लेते हैं जब तक ये ऑन होता है। गाइज एक स्ट्रेंज चीज़ मैंने देखी थी, अभी देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड 9 में ASUS का लोगो आ रहा है। आपको पता है Zenfone जो यहाँ पे इनका ब्रांड है वो ये यूज़ नहीं कर सकते, बट एंड्रॉयड 10 में यहाँ पे Zenfone लिखा रहा था, पर एंड्रॉयड 9 में यहाँ पर ये लिखा नहीं आ रहा है देख सकते हो। तो गाइज जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा फ़ोन फाइनली यार एंड्रॉयड 9 में बूट कर गया है। मैं इसको फटाफट से एक बार यहाँ पे फटाफट से सेटअप कर लेता हूँ, फटाफट से इंग्लिश को ढूंढ लेते हैं, इंग्लिश इंडिया। तो गाइज देख सकते हो फाइनली हमारा जो फ़ोन है वो वापस आ गया है अपने एंड्रॉयड 9 वाले वर्जन पे। फटाफट से आपको सिस्टम अपडेट में ले जाके यहाँ पे मैं अबाउट फ़ोन में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार एंड्रॉयड का वर्जन जो है वो हमारा यहाँ पे 9 है पाई वाला। तो फाइनली हम आ गए हैं वापस, और फटाफट से एक बारी मैं आपको फिंगरप्रिंट सेंसर के ऑप्शन में भी ले जाके दिखा देता हूँ, लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी। तो देख सकते हो यार फिंगरप्रिंट सेंसर का जो ऑप्शन है वो मिल रहा है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर अभी यहाँ पे हटा नहीं है। तो गाइज़ ये तो हो गया यहाँ पे हमारा वापस एंड्रॉयड 9 पाई पे, और जो बिल्ड नंबर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। तो देख सकते हो 59 है, 60 वाला नहीं है, 59 है, तो एक और अपडेट आएगा वो अपडेट कर लेना। गाइस ऐसे आप डाउनग्रेड कर सकते हो अपने मैक्स प्रो M1 को एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 9 पे, और एकदम बढ़िया आपका फोन वापस से वैसा ही चलेगा जैसा पहले था। तो गाइस अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना यार, बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने के लिए। अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि ऐसी वीडियोस आप कभी मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।